हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट 500 एमसीक्यूज जो कॉमर्स की सीरीज चल रही है हमारा, आज ये उसका 33वां पार्ट है। ऑलरेडी हमने 32 पार्ट जिसमें हमने आपके साथ 420 क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। अगर आपने ये सभी अभी तक नहीं देखा है और अगर बहुत पहले से देख रहे हैं तो अगर रिवीजन नहीं किया है तो जा करके देख लीजिए और रिवीजन भी कर लीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, खास करके जो आपका एनवीएस 2019 यानी कि जो आपका 17 तारीख को आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। नहीं देखा है तो जा करके फिर से देख लीजिए और देख लिया है तो फिर से रिवाइंड कर लीजिए पुराने पार्टों को, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन बायलिंगुअल मिलेंगे तो आपके लिए काफी इजी होगा ये, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। द पर्पस ऑफ मेकिंग एजम्पशंस इन इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग इज टू, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक मॉडल ऑफ बिल्डिंग होता है उसमें जो भी हमारे एजम्पशंस लिए जाते हैं उनमें क्या पर्पस होता है, एजम्पशंस क्यों लिया जाता है, आपको ये बताना है। चलिए ऑप्शन चूज कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए एजम्पशंस इसलिए लिए जाते हैं ताकि जो भी हमारी जो इकोनॉमिक मॉडल होगी उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जितने भी काफी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको सिंप्लीफाई किया जा सके, उनको इजी तरीके से रखा जा सके और उनकी जो भी आपकी जरूरतें वाली चीजें हैं उनको हम मेजर कर सके, उनको देख सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर टू यानी कि सिंप्लीफाई द मॉडल विल कीपिंग इम्पोर्टेंस डिटेल, यानी कि उसके जितने भी इम्पोर्टेंस है उनको बरकरार रखा जा सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 422 नंबर हमारा। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड इन, जो हमारा रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है ये कब स्टार्ट हुआ था, आपको ये बताना है। चलिए चूज कीजिए राइट आंसर क्या है, 83 है, 86 है, 89 है या फिर 82 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 1983 में ये शुरू किया गया था। कहां पर शुरू किया गया था तो वो भी आप नोट डाउन कर लो, ये राजस्थान में शुरू किया गया था, ठीक है। मे बी क्वेश्चन में इस बार राजस्थान पूछ ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि जो पीपीपी है हमारा मॉडल इज डिजाइंड प्रीमियरली फॉर, यानी कि हमारा पीपी मॉडल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बनाने का क्या रीजन था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन चूज कीजिए, क्या इसका राइट आंसर हो सकता है, चलिए फटाफट बताइए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर थ्री, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो भी हमारी संरचना है, ठीक है, जो भी हमारी बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें रिक्वायरमेंट थी उनको डेवलप करना ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का काम था। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि जिसमें पब्लिक के पैसे भी, प्राइवेट के पैसे भी और गवर्नमेंट के पैसे भी तीनों मिलकर के, या फिर पब्लिक इन द सेंस ऑफ प्राइवेट ही हो गया, ठीक है। पब्लिक यहाँ पर हम गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, प्राइवेट यानी कि लोग बोल सकते हैं जो अलग से पैसे लगाते हैं, तो दोनों मिलकर के बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, जैसे कि हमारे इकोनॉमिक में है उसे बोला जाएगा पीपीपी मॉडल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस एज इट रिलेट टू द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी कि जो हमारा वर्किंग कैपिटल है उसमें जो भी हमारी फाइनेंशियल बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन सी है, आपको ये बताना। चलिए ऑप्शन चूज कीजिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए जो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर है किसी भी फाइनेंस के लिए, किसी भी वर्किंग कैपिटल के लिए एज अ मैनेजमेंट के तौर पर, तो वो है ऑप्शन नंबर थ्री में, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी मूव टुगेदर विथ रिस्क, यानी कि हमारी जो भी प्रॉफिटेबिलिटी होती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में उसमें रिस्क भी साथ साथ चलता है कि नहीं। बिजनेस का मतलब ही होता है रिस्क लेना, और जितना ज्यादा रिस्क होता है प्रॉफिट के चांसेस भी उतने ही होते हैं, ठीक है। तो रिस्क लोगे तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट चाहिए तो रिस्क भी लेना पड़ेगा, तो ये दोनों चीजें एक साथ चलती है, कोई भी सिंगली केवल रन नहीं कर सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मोबाइल टेक्नोलॉजी अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, यानी कि जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है हमारा वो कंज्यूमर के बिहेवियर को किस तरह इफेक्ट करती है,
ये तो मेरे ख्याल से सबको आंसर पता होगा, मोबाइल टेक्नोलॉजी। आप ही देख लो, पढ़ने के लिए पहले आप कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह जाते थे, अब तो घर बैठे ही पढ़ाई कर लेते हो। ठीक है, पहले आपको टीचर्स जो आपके लोकैलिटी में होते थे केवल उन्हीं के पास पढ़ना होता था, आज आप कहीं से भी मुझसे पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं झारखंड में, आप कहीं और इंडिया के किसी भी कोने में है, इवन इंडिया के पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने से है, आप चाहे तो मुझसे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक तरह का मोबाइल टेक्नोलॉजी का इफेक्ट ही है कि कंज्यूमर की जो बिहेवियर है वो बदल गई है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर चूज कीजिए, राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि इट फैसिलेट द यूज ऑफ लोकेशन बेस्ड सर्विस, यानी कि जो भी हमारी सर्विस है उसको हम काफी अच्छी तरीके से, सुविधाजनक तरीके से अपने कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं, उनके उनको बता सकते हैं, उनको डिटेल्स दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप लक्ष्य अकेडमी को देख लीजिए, मेरे ख्याल से लक्ष्य अकेडमी और विकास आनंद का नाम आपने कभी सुना भी नहीं होगा एज अ टीचर के तौर पर, बट अब बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ाई कर रहे हैं उनको पता है कि विकास आनंद एक सर है, लक्ष्य अकेडमी नाम की उनकी कोई इंस्टीट्यूट भी है। तो ये जो सर्विस अवेलेबल हुई ये मोबाइल टेक्नोलॉजी की वजह से ही पॉसिबल हुई। मेरी जो भी आपकी नॉलेज है, जो भी मुझे आता है थोड़ा बहुत, वो आप लोगों के साथ शेयर कर पाता हूँ, तो अपनी सर्विस दे पाता हूँ। ठीक है, तो यही चीज है हमारा मोबाइल टेक्नोलॉजी का जो इफेक्ट हुआ कंज्यूमर के बिहेवियर पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज क्वांटिटेटिव रिसर्च मेजर इन मार्केटिंग एनालिसिस, यानी कि जो भी हमारा आपका विश्लेषण है मार्केटिंग रिसर्च के बारे में, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो भी हम कर रहे हैं उन्हें हम किस प्रकार से मार्केटिंग में एनालिसिस करते हैं, आपको ये बताना है। चलिए राइट आंसर चूज कीजिए। देखिए अब एक चीज तो कंफर्म है, जब क्वांटिटेटिव दिया हुआ है इसका मतलब नंबर तो होंगे ही होंगे, तो जहां पर भी नंबर वाला दिख रहा है वो आप चूज कर लीजिए। अब दो नंबर, यहाँ पर नंबर के तीन ऑप्शन है, नंबर एंड फिगर, नंबर एंड फीलिंग, नंबर एंड ओपिनियन। ठीक है, वो ऑप्शन चूज कीजिए। अब देखिए फीलिंग का तो मतलब नहीं बनता भाई, फीलिंग का करना क्या है, फीलिंग का क्या आचार डालना है आपको। तो अब नंबर किस चीज को दिखाता है, देखिए नंबर से आप ओपिनियन नहीं निकाल सकते हो, लेकिन नंबर से आप फिगर जरूर निकाल सकते हो। हाँ भाई, कितने कंज्यूमर्स हैं मेरे पास, मेरे पास कितने गुड्स हैं, कितने कंज्यूमर की नीड है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, टू, टू इज द राइट आंसर। ठीक है, आई थिंक ये चीज अब आपको क्लियर हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, फोर पीज ऑफ मार्केटिंग आर, मेरे ख्याल से इसका आंसर सभी को पता होगा, मुझे लगता है 110% सभी लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा, है कि नहीं। इसका आंसर कोई गलत मत देना भाई, अगर इसका आंसर भी आप गलत दोगे ना, बेकार पढ़ाई कर रहे हो यार, फिर से पढ़ाई करो एक बार बहुत अच्छे से। राइट आंसर क्या है, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, एक बार नहीं 500 बार बता चुका हूं आपको ये चीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मीडिया हेल्प्स एडवर्टाइजर डेमोंस्ट्रेट द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड कैन ब्रिंग लाइफ एंड एनर्जी टू एन एडवर्टाइजर्स मैसेज, यानी कि जो भी हमारी मीडिया है, जो भी एडवर्टीजमेंट है, वो एक तरह से हमें हेल्प करती है, जो भी उनके जो खरीदार होते हैं, जो उनके कंज्यूमर होते हैं, उनको एक मैसेज देने का काम करती है। क्या करती है, एक मैसेज देने का काम करती है, उनमें एक तरह के एनर्जी देती है। किनको एनर्जी देती है, जो भी उसको खरीदने वाले हैं, जो उनको बेचने वाले हैं, इन दोनों को हेल्प करती है। तो ये किस तरह के मीडिया में पॉसिबल होता है। तो अच्छा एक चीज बताओ आप, सिंपल सी बात, मीडिया तो बहुत सारे हैं, कौन सी मीडिया आपको ज्यादा अच्छी लगती है, जो आपको पिक्चर विद डिटेल्स के साथ वीडियो चलते हुए दिखे या एक पेपर में दिखे, ज्यादा अच्छा किसमें आपको इफेक्ट मिलेगा, प्रिंटेड वाला में या फिर जो टीवी में, यूट्यूब पे या फिर जो उस पर नजर आती है वो मजा आएगा। तो मेरे ख्याल से सभी का आंसर होगा सर जो यूट्यूब वगैरह पे है या जो वीडियो चलता हुआ है उस पे, जल्दी हमें प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल पाती है, समझ में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, टीवी मीडिया वगैरह, तो आंसर क्या होगा, ब्रॉडकास्ट मीडिया, उसे क्या बोलते हैं, ब्रॉडकास्ट करना, यानी कि इसे प्रसारण किया जा सकता है। ठीक है, बाकी प्रिंट मीडिया कौन सी हो गई, जिसमें हम छाप वगैरह के जो लिफलेट पंपलेट वगैरह होता है उसको बोलते हैं प्रिंट मीडिया। मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीप्ट लोन एंड अदर लायबिलिटी इज कॉल्ड, चलिए बताइए भाई फटाफट इसका आंसर दीजिए, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीप्ट में क्या अंतर होता है अगर आप लोन और अदर लायबिलिटी को छोड़ के बात कर रहे हैं तो। फटाफट चूज कीजिए, बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी जल्दी भाई ऑप्शन दीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि बजट घाटा, बजट डेफिसिट, क्या बोलते हैं उसे,
बजट डेफिसिट बोला जाता है। बेसिक क्वेश्चन टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट तो पता ही रहता है सबको, ऐसे चीजों में कंफ्यूजन कर जाते हो आप, इसलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपने शायद ही पढ़ा होगा, और एग्जाम में यही सब क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे ही टाइप के मिलते हैं ना। तो अगर पता है कि ऐसे ही मिलते हैं, मैं अच्छा बना रहा पढ़ा रहा हूँ, तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और जो फर्स्ट टाइम जुड़े हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि अभी 429 या 430 है, 70 क्वेश्चन अभी और दूंगा मोस्ट 500 वाले, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी दे दूंगा, कोशिश कर रहा हूँ कि आपके एग्जाम से पहले दे दूं, ठीक है। तो चलिए आज की सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, आखिरी क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन कैश रिजर्व ऑफ कॉमर्शियल बैंक इफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंडक्ट अ सेल ऑफ सिक्योरिटी, यानी कि जो हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है यानी कि जो RBI है, अगर वो अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट में सेल करती है, ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट होगा आपको ये बताना है, और किसमें इम्पैक्ट होगा, कॉमर्शियल बैंक में किस तरह का इम्पैक्ट होगा, जो उनका कैश रिजर्व पड़ा हुआ है उसमें किस तरह का असर होगा आपको वो बताना है। अब देखो एक सिंपल सी बात आपको मैं समझाता हूँ, ये आप कैसे डिसाइड करोगे क्या इम्पैक्ट होगा क्या नहीं होगा। अच्छा मान के चलो RBI जो सिक्योरिटीज है, ठीक है, उससे पहले मैं एक सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ, मान लो मार्केट में है बहुत सारे पैसे आ गए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा पैसा आ गया, तो RBI अगर उस पैसे को वापस चाहे कि लोगों से वापस मिल जाए तो क्या करेगा, लोगों से मांगने जाएगा तो लोग तो देंगे नहीं भाई, क्योंकि मेहनत की कमाई है। तो RBI क्या करती है, अपनी सिक्योरिटीज एक सिक्योरिटी इशू करती है, उसे मार्केट में बेच देती है। अब मार्केट में अगर वो बेचेगी तो जाहिर सी बात है लोग खरीदेंगे, लोग खरीदेंगे तो अपने पैसे वो RBI को पे करेंगे, तो मार्केट में वो पैसा क्या होगा, कम होगा या नहीं होगा, बिल्कुल कम होगा, तो राइट आंसर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और उसी तरह उल्टा आप उसे रिवर्स फॉर्म में देखो, अगर मान लो मार्केट में पैसे की कमी हो गई तो RBI क्या करेगी, अगर मान लो मार्केट में पैसे की कमी है, मार्केट में पैसे और डालने हैं, तो RBI क्या करेगी, जो उनके जो मार्केट में जो लोगों के पास सिक्योरिटी पड़ी हुई है वो क्या बोलेगी, भाई मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगा, आप मुझे अपनी सिक्योरिटीज को बेच दो, ठीक है। अब वो मान लो अपनी सिक्योरिटीज बेचेंगे पब्लिक, तो उनके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, और पैसा कहाँ जाएगा, मार्केट में आएगा। तो जब भी RBI सिक्योरिटी को सेल करे तो कैश रिजर्व हमेशा डिक्रीज होगा, और इसी के रिवर्स में वाइस वर्सा होता है, हम पे अगर RBI अपनी जो सिक्योरिटीज है उनको परचेस करे तो जो हमारा पैसा है यानी कि कैश रिजर्व पड़ा हुआ है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो रिलेशन है वो इनवर्स रिलेशन है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, इसलिए मैं दोनों इन्फॉर्मेशन आपको बता के चलता हूँ, ठीक है। तो ये थे 10 क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ सभी के सभी मजा भी आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, और 10 में से कितने आपके स्कोर आए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है, और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और पढ़ते जरूर रहिएगा। चलिए तब तक के लिए फिर मिलते हैं, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।